मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत व्याकरण भाग के ओर जो है बहुत सारा विषयों पर चर्चा किया। आज हम आपका एक अध्यायता स्पर्श भाग एक के अंतर्गत गद्य भाग में से शुक्र तारे की समान, इसका हमने विस्तृत अध्ययन जो है लगातार पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हमने अभी तक चर्चा नहीं की थी। तो प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले हम शुक्र तारे के समान उसका संक्षिप्त सारांश जो है वह बताने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, शुक्र तारे के समान, शुक्र तारा जो है ज्यादातर सुबह सुबह में यह दिखता है। जैसे ही जैसे समय है 4 या 5 के दरम्यान सुबह के, और यह जो है शुक्र तारा उतना ही चांद के समान जो है आकर्षित होता है, लेकिन बहुत समय तक टिक नहीं पाता है, उसका रहना उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो शुक्र तारे के समान ही जो महादेव भाई देसाई हैं, जो गांधी जी के बहुत ही बड़े अनुयायी थे, और यहाँ पर महादेव भाई देसाई को शुक्र तारे के समान जो है लेखक कहने का प्रयास किए हैं। स्वयं वो भी जो है उनके साथ, गांधी जी के साथ जो है काम किया है। तो आपको पता है, जैसे 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, तभी ही महादेव भाई देसाई को गांधी जी ने क्या कहा, मेरा वारिस करके कहने पर पूरे विश्व में जो है, पूरे भारत देश में जो है, इनका नाम जो है प्रचलित हुआ। ये आपको पता है कि गांधी जी जो है बहुत सारे ऐसे विषय लिख रहे थे, बॉम्बे क्रॉनिकल में उसमें भी जगह नहीं बच रहा था। उसके बाद उन्होंने यंग इंडिया में ज्वाइन किया, वहाँ भी जो है एक हफ्ते में जो है जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, 2 हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने लगे। उसके साथ साथ नवजीवन जो है, यंग इंडिया और नवजीवन जो है दोनों अहमदाबाद से जो है निकलते थे। उसके बाद जो है महादेव भाई देसाई जो है उनके साथ रहते थे, और जो भी विषय हो वे किसमें माहिर थे, जो सार टिप्पणी है जो हूबहू ऐसे ही लिखते थे, कोई भी जो है कॉलम या मात्रा में अंतर नहीं आता था। और जो भी गांधी जी के ऊपर देश विदेशी के पत्रकार जो है उनकी निंदा करते, उनको आड़े हाथ लेने का भी काम जो है महादेव भाई देसाई करते थे। और ये पहले जो है अंग्रेजी के शासन में ये नौकरी करते थे, तो इनके जो भी गांधी जी के जो लेटर थे वो लिख कर भेजा करते थे, तो वहाँ के वाइस राय जो है इनके अक्षरों को देखकर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होते। और इसी बीच जो है गांधी जी के साथ इतने जुड़े रहे कि हर बार जो कुछ ना कुछ ले कॉलम में लिखना, और इनको लेखक कहते हैं कि ये कहाँ जब भी जाएंगे पढ़ते ही रहते थे, या कुछ अपने नवजीवन के लिए कुछ ना कुछ लिखते थे, लेख लिखा करते थे। और यहाँ तक मजाक किया कि लेखक ने कि ये कभी खाते थे, कब सोते थे, और कभी इनके जो है हाजते हाजते यानी मैंने बताया है कि सुबह के कार्यक्रम होते हैं, ये कब करते किसी को पता नहीं चलता है। और इसी बीच जो है महादेव भाई देसाई जब उनको वर्धा से जो है साबरमती आश्रम से आना जाना जो है पैदल आना और चले जाना काम करके, इसी के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई। लेकिन गांधी जी उनको भूल नहीं पाए, और जब भी उनके लिए हमेशा एक पंक्ति जो है दोहराते रहे, ए रे जखम जोगे नहीं जसे, इसका अर्थ है कि यह घाव कभी योग से, योग से यानी जोड़ से
भरेगा नहीं ऐसे कहते, उनको जो है भूलना उनको नामुमकिन था। और जब भी जो है बाद के सालों में प्यारे लाल जी, यानी उनके बाद जो है प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास यानी अचानक जो है उनके मुंह से महादेव ही निकलता। देखिए कितना गांधी जी के ऊपर प्रभाव डाले थे, इतने प्रभावशाली व्यक्ति जो है इतिहास में कहीं इनका नाम जो है ज्यादातर जिक्र नहीं होता है। इसका मतलब ये शुक्र तारे के समान जो है, इसीलिए इनको रखा गया है कि शुक्र तारा देखने के लिए मनमोहक होता है लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है महादेव भाई देसाई इतने अच्छे कार्य करते हुए भी, गांधी जी के प्रिय रहते हुए भी, इनका नाम जो है ज्यादातर किसी को पता नहीं है। इसीलिए इन महादेव भाई देसाई को कितने उनका व्यक्तित्व जो है कितना अच्छा है ये दिखाने के लिए पाठकों के सम्मुख यह पाठ को रखा गया है। तो इस तरह हमने जो है उसका संक्षिप्त विवरण जो है मैंने किया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर जो है जो प्रश्न पत्रिका है आने वाले मंथली टेस्ट में जो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, चार ऑप्शन होंगे उसमें। तो चलिए उससे पहले हम ये शुक्र तारे के समान जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए, यानी एक वाक्य में जो उत्तर लिखते हैं उसे हम एक दो पंक्तियां कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से, हो सके तो एक वाक्य के प्रश्न होते हुए भी वहां पर आपको ज्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? तो आपको पता है कि कभी वे अपना बड़प्पन नहीं करते थे, उनका परिचय किस प्रकार देते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची बिस्ती खर के रूप में देते थे। ठीक है, पीर बावर्ची बिस्ती खर के रूप में वे क्या करते थे, उनका परिचय देते थे। पीर यानी महात्मा और बावर्ची यानी रसोई घर वाला, और खर यानी क्या होगा, खर का अर्थ है गधा। ठीक है, तो इस रूप में वे अपना परिचय दिया करते थे, यानी गांधी जी के सम्मुख में बहुत ही छोटा हूं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर पता है कि बहुत सारे ऐसे गांधी यानी ब्रिटिशों के जुल्म होते रहे, उनको प्रकाशित करने के लिए जो है बहुत सारे लेख जो है लिखा करते थे, इसीलिए कमी रहती थी। तो उत्तर किस प्रकार है देखेंगे, अंग्रेजी संपादक हार्निमैन यंग इंडिया के लिए लिखते थे। ठीक है, हार्निमन जिन्हें देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया था, ये अंग्रेजी के विरुद्ध लिखते हैं तो उनको देश निकाल कर कर उन्हें, वे इंग्लैंड के होने के कारण उन्हें फिर से वहां पर भेजा गया। इस कारण यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लगी। एक तो इस कारण रहने लगी क्योंकि खुद ही वो लेख लिखा करते थे, तो गांधी जी के लिए वे उन्होंने जो है अनुरोध किया। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया, यंग इंडिया? ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। तो आपको इसका कारण, आपको पता है कि लेख जो है बहुत सारे थे लेकिन यंग इंडिया में वह जो है पूरा समाहित नहीं होता था, इसीलिए हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का उन्होंने ठान ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? देखिए गांधी जी से मिलने से पहले, देखिए बहुत सारे ऐसे
मेधावी लोग थे वे उन्होंने जो है सरकारी नौकरी छोड़कर गांधी जी के आंदोलनों में जो है वो सहभागित्व लिया है। तो देखिए कौन से वे पहले नौकरी करते थे, उत्तर है गांधी जी से पहले मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में ये काम करते थे। इस तरह उत्तर जो है लिखना है। देखिए संक्षिप्त यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे, अनुवाद विभाग, वित्त विभाग, ठीक है, अरण्य विभाग, ऐसे आपको लिखा जाएगा, उसमें एक उत्तर जो है आपको देना होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था, झोलों में यानी वे लेकर हमेशा घूमते थे, तो आप इसका अध्याय करते समय यह आपको पता है। तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई के झोलों में यानी थैला जो होता था लटकाए हुए साइड में, झोलों में ताजी राजनीतिक घटनाओं, जानकारियों, चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तकें होते थे, ना केवल इन विषयों के, साहित्यिक भी पत्रिका हुआ करती थी, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि भरे रहते थे। इन सबको वे बहुत ही रुचि पूर्वक पढ़ते थे और कुछ लिखना है तो लिखा भी करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी पुस्तक जो है गांधी जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक है उसका अनुवाद किया था। तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जो नवजीवन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वहां नवजीवन में उतने पन्ने नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर एक चार पन्ने ही, उसके बाद दूसरा दूसरा करते करते कितने दिनों तक चला पता नहीं, लेकिन सत्य के प्रयोग उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, वे प्रकाशित किसमें करते रहे, नवजीवन जो है पत्रिका में इसका लेख जो है लिखा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद से कौन से दो साप्ताहिक निकलते थे, देखिए यह भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। अहमदाबाद से दो पत्रिका प्रमुख रूप से निकलती थी, साप्ताहिक निकलती थी जो अहमदाबाद, उत्तर इस प्रकार है, अहमदाबाद से निकलने वाली वाले साप्ताहिक पत्र थे यंग इंडिया तथा नवजीवन। अहमदाबाद से जो गुजरात से गुजरात राजधानी है, गुजरात जो है राज्य है, तो वहां से जो है यंग इंडिया और नवजीवन दोनों जो है साप्ताहिक निकला करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे, दिन में कितनी देर काम करते थे, तो उनका जो है कार्यकाल जो है आप देख सकते हैं, जब इसका अध्याय को अध्ययन करते समय आपने देखा होगा कितने वे जो है हार्ड वर्कर थे। तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई लगातार चलने वाली यात्राओं, मुलाकातों जो गांधी जी के साथ होने के कारण इन्हें भी उसमें शामिल होना पड़ता था, चर्चाओं और बातचीत में अपना समय बिताते थे। इस प्रकार वे 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। देखिए 24 घंटे में 20 घंटे यानी 4 घंटा ही वे क्या करते थे, विश्राम लिया करते थे। देखिए कितने हार्ड वर्कर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महादेव भाई ने गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है, महादेव भाई की निकटता, बहुत सारे विषय हैं लेकिन जब गिरफ्तार हुए थे तब इन्होंने, देखिए वो भी हो सकता है, उसके बाद जो उनकी मृत्यु के बाद भी जो है उनके उनके मुंह से जो है महादेव भाई का नाम जो है
हर बार गुनगुनाता रहा। तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे बाद के सालों में प्यारेलाल को बुलाते हुए महादेव पुकार पुकार बैठते थे। देखिए, महादेव को जो है प्यारेलाल को जब बुलाते थे तो उनके मुंह से जो है अचानक अनायास जो है महादेव ही निकलता। इससे पता चलता है कि गांधी जी को कितनी कितने निकट ये थे। तो इस प्रकार एक दो पंक्तियों में लिखने वाले प्रश्नोत्तर हमने चर्चा की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 25 से 30 शब्दों में ये 2 अंकों के लिए या 3 अंकों के लिए आ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? ठीक है, वारिस कब कहा था? तभी तो जाकर जो है पूरे देश में जो है इनकी कीर्ति जो है इनकी ये सभी के दुलारे बने हुए थे। देखिए उत्तर इस प्रकार है, चाहे तो आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं। महादेव भाई 1917 में गांधी के पास पहुंचे। ठीक है, रुकिए, दो लोग यहाँ पर ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर तो इस प्रकार, देखिए महादेव भाई 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे। 1917 में जब वो अनुवाद विभाग में का नौकरी जो है छोड़कर गांधी जी ने उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। उत्तराधिकारी का पद जो है सौंपा था। 1919 में जालियाबाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी वहां पर जो है हालचाल पूछने के लिए चले जा रहे थे, तभी उनके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। उसी समय जो है उन्हें वारिस कहा गया था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी से मिलने आने वाले के लिए महादेव भाई क्या करते थे? गांधी जी से जो है मिलने आने से पहले ये पहले पूरा जो है लिखकर उनका जो है लिखकर रखा करते थे, बाद में जो है गांधी जी से मुलाकात करवाते थे। तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, क्योंकि 1919 में जो है जालियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद रौलत एक्ट जो हुआ इससे जो है लोग ऊब गए थे, उनको उनके ऊपर शोषण हुआ हुआ करता था, इसीलिए वे गांधी जी को बताने के लिए आते। तो महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते। गांधी जी के सामने क्या करते थे? पेश किया करते थे तथा उनसे लोगों की मुलाकात करवाते थे। इस तरह ये जो है पहले पूरा सुनकर जो है योग्य लगने पर ही गांधी जी को मिलाया करते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महादेव भाई की साप्ताहिक देन क्या है? महादेव भाई की साप्ताहिक देन जो साहित्यिक किस तरह वे उनका देन योगदान रहा? तो उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी के अलावा, देखिए महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी के अलावा, यानी जो है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, उन्हें डाटा आड़े हाथ लिया करते थे, अलावा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। सत्य के प्रयोग का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया।
वे जो नवजीवन में प्रकाशित होता रहा। इसके अलावा चित्रागंगा, विधायिका, अभिशाप, शरद बापू की कहानियां आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन है। ठीक है, इस प्रकार उनकी साहित्यिक देन माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी जो है किए हैं। अगले प्रश्न देखिए, इसके अलावा भी आपको जो है इससे भी अच्छा आंसर जो है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु को कारण क्या था? अकाल मृत्यु का जो है कारण क्या था? तो आपको पता है उनका जो है इधर उधर घूमना हुआ था। तो देखेंगे किस तरह इसका उत्तर है। उत्तर है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु को कारण उनकी व्यस्तता तथा विवशता थी। व्यस्तता और विवशता यानी मजबूरी भी उनकी थी। क्या थी? सुबह से शाम तक काम करना, सुबह से शाम तक काम करना, और गर्मी की ऋतु में 11 मील पैदल चलना ही उनकी मौत का कारण बने। देखिए, ये दो कारण हैं जो इनकी अकाल मृत्यु यानी जल्दी इनकी मृत्यु होने का कारण जो है बन गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, महादेव भाई के द्वारा लिखित नोट बहुत ही सुंदर, आपने सभी ने देखा है, मैंने पढ़ाते समय जो है उसका जो एक चित्र जो है दिखाया था आपको, बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कॉमा और मात्रा की भूल और छोटी गलती भी नहीं होती थी। देखिए, यहाँ पर आपको बताया था अर्ध चंद्राकार जो है आप देख सकते हैं, चंद्राकार और अर्ध जो अर्ध चंद्राकार आप देख सकते हैं, अंग्रेजी शब्द है कॉमी यानी कॉलम जो कहते हैं, कॉमी में ऐसे शब्द आप देख सकते हैं, तो छोटी गलती भी नहीं होती थी, कोई भी गलती उसमें नहीं मिलती थी। गांधी जी दूसरों से कहते कि अपने नोट महादेव भाई के लिखे नोट से जरूर मिला लेना, क्योंकि कोई गलती है तो वही सुधार सकते हैं, कोई भी गलती जो है महादेव भाई देसाई की लिखावट में नहीं होती थी। तो अन्य जो भी पत्रकार थे वे उनके नोट्स जो है उनसे मिलान करने से जो है कुछ गलतियां समझ में आ जाती थी। इस तरह आज हमने प्रश्नोत्तर चर्चा के अंतर्गत एक दो पंक्तियों के प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। उसके साथ साथ जो है 25 से 30 शब्दों में लिखने वाले जो प्रश्न के उत्तर हैं उनका भी हमने जो है आज विस्तृत अध्ययन किया। अगले जो क्लास में हम जो है उसके आगे का भाग यानी 50 से 60 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है और व्याकरण भाग जो है हम अगले क्लास में देखेंगे।